बढ़ते अपराध को लेकर चिराग ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जिलाधिकारी को शहर में पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे से शहर को सुरक्षित करें और अपराधियों को जल्द सलाखों के पीछे भेजने की बात कही है। वहीं भोजपुर जिलाधिकारी ने भी चिराग को भरोसा देते हुए जल्द ही सभी बातों को अमली जामा पहनाने का आश्वासन दिया है। भोजपुर में चिराग नए तेवर में दिखे, कहा कि भोजपुर जिस तरह से आपराधिक घटनाओं को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है, अब अपराधियों को पकड़कर उचित सजा दिलाई जाए ताकि पूरा प्रदेश देखकर नसीहत ले, अगर अपराध करेंगे तो कठोर सजा मिलेगी। अपने बिहार बचाओ पद यात्रा के माध्यम से चिराग पासवान इसी तरह का संदेश बिहार की जनता को दे रहे हैं। आपसे मैं आग्रह और करूंगा, परिवार के लिए सुरक्षा। जहां पे एक घटना घट चुकी है, संभवतः वहां पे दो घटनाएं और भी घटना, तो वो रेगुलर पेट्रोलिंग हो वहां पे, इस बात को जरूर सुनिश्चित करना है। क्योंकि कुछ एक परिवार है, अब जैसे हम लोगों के पार्टी के ही पदाधिकारी हैं बम पासवान जी, वो 2017 से लिखित रूप में ये जानकारी स्थानीय प्रशासन को देते रहे हैं कि हमको खतरा है, हमको खतरा है, हमको खतरा है। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो उन्होंने दिए, वो भी मैं सब आपके पास मैं भिजवाऊंगा उसको पाइल अप करके। उस वक्त भी उन्होंने इस बात की आशंका जताई थी। उसके बाद एक और परिवार अर्जुन पासवान जी के, उनकी मां को गोली मार दी गई, वहां पे उन्होंने स्थानीय प्रशासन को फोन करके बुलाया, प्रशासन गया भी वहां पे, पर बिना मामले को सुलझाए हुए, बिना इस बात को सुनिश्चित किए हुए वो लोग वापस आ गए, परिणाम स्वरूप उसके बाद उनकी माता जी को गोली मार दी गई। मेरा बस कहना इतना ही है कि जितने व्यवसायी वर्ग के लोग हैं या जितने भी बिहारी हैं, उनकी सुरक्षा, जहां एक घटना घटी है वहां और भी घट सकती है, इसको जरूर सुनिश्चित।